बहुत बहुत शुक्रिया। माइक का पेट खराब है क्या? गैस पास कर रही है। क्योंकि एक आदमी को आप राजस्थान से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से राजस्थान बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखिए, पृथ्वीराज जी आज बॉम्बे से चल के इतना बड़ा कार्यक्रम। डिंपल विवेक कहाँ गया? जल्दी बुलाओ भाई, क्योंकि विवेक को ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। इन्होंने बहुत संगीत का प्रोग्राम रखा था पृथ्वीराज जी ने, लेकिन किसी समझदार ने इनको सलाह दी कि शैलेश जी को भी बुला लो ताकि विवेक आज हंस ले। नहीं, उसके बाद भी हंसेगा, लेकिन डिंपल तुमसे पूछ के हंसना पड़ेगा। जैसे पृथ्वीराज जी भाभी जी से पूछ के हंसते, हम सब शादीशुदा लोगों का यही हाल है। एक हमारे यहाँ रात को 2 बजे तेज बारिश, भयानक तूफान, मिठाई की दुकान वाले के आ गया रात 2 बजे हो, 5 रुपए का दही दे दे, तो मिठाई वाले बोले थारो जा भेजगी हो भाई, कि तू कहीं सोचा तूफान में हमारी माँ भेजेला। तो बीवियां रात को 2 बजे भी भेज सकती है दही लेने के लिए। ये बेचारा उज्जैन से दही लेने गया, इसको हटा दे यार, मैं इसी माइक से बोलूंगा, इसको ले लेते ये ठीक। बहुत बढ़िया। अब मैं भी कुछ देर आपके बीच में, उदित नारायण जी को आपको सुनना है, बहुत आनंद। आप भी फोटोज लेंगे और लेंगे, अभी क्या करेंगे? हमारा एक मारवाड़ी चला गया फोटोग्राफर के पास, बोले पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो खींचते जिसमें जूते भी आ जाए। ये 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का माल निकलवाना। फोटोग्राफर उसका भी बाप था, बोले सर पे रख दे दोनों आ जाएंगे। तो हमारे बड़ा कमाल का काम होता है। भीमबाल के बच्चे तो बहुत कमाल के। अभी मेरे को यहाँ पे, मैं सुखराज जी बैठा हुआ था हॉस्पिटल में, बहुत सारे बच्चे आके मिले, सारे बच्चे ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। ये कहा, बोले कागज है। इनका कागज भी मेरा, मैं समझ गया कोठारी खानदान का बच्चा है। कागज भी मेरा, पेन भी मेरा, लेकिन ऑटोग्राफ लेके गया, क्योंकि मारवाड़ी आदमी लेना जानता है। हमें पता होता धंधा कैसे किया जाए, बिजनेस करना हमारे खून में बसा हुआ है। हम लोग जो बिजनेस करते हैं दुनिया में कोई कर नहीं सकता। मैं आगरा गया, एक ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचने ही नहीं है। अबे मैंने कहा चलने का क्या लेगा? बोले 100 रुपए। अरे मैंने कहा 100 रुपए में कौन देगा, 50 रुपए में ले चल। बोले 50 रुपए कौन ले जाएगा? मैंने कहा बैठ पीछे, तेरी प्रॉब्लम ये है ना, कौन ले जाएगा? मैं तैयार हूँ बोल। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है दिनेश बाबू, हम लोग मारवाड़ी लोग बहुत कमाल के होते हैं। हम तुझे भी कंघा बेच सकते हैं, जिंदगी में जो तेरे काम नहीं आ रहा वो चीज तुझे बेच सकते। हमारे यहाँ कोई टूटा फूटा भी हो तो माल बेचते। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, सेल्समैन चाहिए, क्या बेचना है? बोले रामायण बेचनी है। एक जगह चला गया, बोले मैंने राख लो। अरे बोले रामायण बेचनी है, सेल्समैन चाहिए, तू टेक्निकल फॉल्ट खुद से तो खुद बिक नहीं रहा है। बोले ना भीमाल प्रभु बेच दो। बोले कैसे बेचेगा? अरे बोले मारवाड़ी हूँ बेच दो। शाम को आया तो सबसे ज्यादा रामायण बेच के लाया। बोले कैसे बेची भाई? बोले मैं लोगों के घर गया, घंटी बजाई, रामायण दिखाई। बोला खरीदता है कि सुनाऊ? क्योंकि ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होता है। एक आया मेरे पास कोठारी साहब, एक आया बोले चले जी ये आपकी वो जान पहचाने, नौकरी लगवा दो। तो कहाँ नौकरी लगवा दूं? बोले रेलवे में अनाउंसर की पोस्ट खाली है। अच्छा मैंने लगवा दी। शाम को नौकरी और इज्जत दोनों गवा के लौटा, क्योंकि उसको अनाउंसमेंट करना था, जोधपुर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। अगला शुरू हुआ, बोले जोधपुर, अरे गी अभी कहाँ पढ़ लो? अरे विवेक कहाँ गया था तू? अरे बता शर्मा क्या रहा है? अरे यार सब जाते हैं, इसमें शर्मा की क्या बात है? पृथ्वीराज बहुत हम शर्मा ना विवेक यार, शर्मा मत, कोई बात नहीं। ईश्वर करे तेरे जीवन में कभी कठिनाइयां ना आए, हर चीज सिंपल हो, तू इतना मुस्कुराया कि तेरे गालों में डिंपल हो। ये देखो, अच्छा रिश्ते ऐसे नहीं बनते। पृथ्वीराज जी और जसवंत जी का रिश्ते बनने के पीछे लड़के लड़की की जन्म पत्री नहीं मिलती, समझियो की वेवाइयों की मिलती है। कैसे मैं बताता हूँ, विचार कैसे मिलते हैं बताता हूँ। पृथ्वीराज जी विचार कैसे मिलते हैं, देख रहे आपके और जसवंत जी के विचार कैसे मिले कि रिश्ता हुआ।
पृथ्वीराज जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, बोले शैले जी बहुत दिन हो गए खाना नहीं खाया, आपको खाना खिलाऊंगा आओ आप। मैंने चलो भाई आप जो करोगे मैं भी करूंगा, आज खाना खिलाएंगे। तो बोले बॉम्बे में आप गोरेगांव में रहते हो, आप टाउन में आओ, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसमें बहुत बढ़िया चॉइस है, मैं आपको वहां खाना खिलाना चाहता हूँ। मैंने जिधर चलो अपने क्या दोस्त इतने खास में चला गया। तो पहली चॉइस देखो रिश्ता कैसे बनता है, ये विवेक और डिंपल का रिश्ता जो बना है उसके बीच में बता रहा हूँ पृथ्वीराज जी, जनता को बताना पड़ेगा, कहानी बड़ी जरूरी है। तो बोले रिश्ता बना गया, बोला आज खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा आ जाओ। अब मैं चला गया, अब रेस्टोरेंट में पहले जाते ही पहली चॉइस ये दो दरवाजे थे, एक पे लिखा हुआ था इंडियन फूड, एक पे लिखा हुआ था कॉन्टिनेंटल फूड। तो बोले यार आप दुनिया भर में खूब घूमते हो, कॉन्टिनेंटल फूड खाते हो, प्रवीण रुक जा थोड़ी देर, दो मिनट बैठ जा। बोले आप कॉन्टिनेंटल फूड खाते हो, आज आपको बढ़िया हिंदुस्तानी इंडियन फूड खिलाएंगे दो। मैंने कहा आप जो खिलाओ हम जाएंगे। पृथ्वीराज जी आगे आगे, मैं भी पीछे पीछे गए आगे। फिर दो दरवाजे थे, फ्रेश फ्रूट फ्रोजन फ्रूट। बोले फ्रोजन क्या खाना, फ्रेश खाएंगे। फ्रेश के दरवाजे में घुसे, रिश्ता कैसे बनता है सुनना। आगे फिर दो दरवाजे थे, एक पे लिखा हुआ था नकद, दूसरे पे उधार। अब पृथ्वीराज जी उधार के दरवाजे में घुसे, मैं भी चला गया। 10 कदम चले थे कि सड़क आ गई और वहां खड़े थे जसवंत जी, आप ही आइया के। तो ऐसे रिश्ता बनता है। तो एक बार इनके रिश्ते के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए, जो अद्भुत रिश्ता है ये। तो मैं बता रहा था, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना दोस्त। मैं बता रहा था ऐसे लोगों में जो था नौकरी लेने आया, कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का होता है, कमाल का कॉन्फिडेंस होता है। मैं एक बार बैंकॉक से लौट रहा था, बैंकॉक में कविता पढ़ने गया था, कुछ और गलत अर्थ मत लगा लेना, क्योंकि पिछले दिन राहुल गांधी ने भी कहा था, कहां गए थे, बोले बैंकॉक गए थे, क्या करने, बोले चिंतन। इस देश का हर आदमी जानता है कि बैंकॉक में चिंतन के सिवाय सब कुछ होता है। तो मैं बैंकॉक कविता पढ़ने गया था, मैं वहां से लौट रहा था, मेरे पास एक ऐसे ही बैठा हुआ, अचानक प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट हुआ, एयर हॉस्टेस आई, बोले चिंता मत कीजिए प्लेन तो गिरने वाला है, लेकिन आप डरिए मत, अपना अपना पैराशूट लीजिए, कूद जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती करिए, रस्सी खींचिए, पैराशूट खुल जाएगा। अब मेरे पास वाला बोले फिर से बताओ। मैंने कहा तू 3 तक ही गिनना, 10 में वहीं पहुंच जाएगा, जाके लिए निकला नहीं था, क्योंकि होता है कमाल होता। अच्छा मेरे अच्छा एक हमारे एक दोस्त था छोटा सा, आओ अनिल जी बैठो ना, मैं स्पीकर पर, हाँ बैठो आप, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अनौपचारिक आदमी हूँ, आप आराम से, आप मेहनत कर रहे हो, पेमेंट होगा, बड़े चिंता मत करो। हाँ क्योंकि ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस होते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसको हमारे यहाँ सिरोही में जब मैं पढ़ता था तो क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया, वो बेचारे को ऐसी तकलीफ लेकर उसमें भी आ गया, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस अगले का, सिक्का उछाला अंपायर ने टॉस के लिए, बता पूछा उसे बताओ हेड्स या टेल्स, बोला हा 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 यही। मारुसा में कॉन्फिडेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का होता है। एक मेरे ऐसे दोस्त के दो जुड़वा बच्चे हो गए, मैं देखने चला गया, तो 10 बार आई मैं उससे पूछू, इतने में हुआ आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोले 10 आई, बोले तीसरा भी हो गया, इतना टाइम लगेगा। अच्छा ऐसे में भी अगर कोई मारवाड़ का हो तो कमाल करते। मेरे चाचा जी हैं, वो तो कमाल ही है। उनके बेचारों का प्रॉब्लम क्या है कि शब्द बाद में आते, एक्सप्रेशन पहले आ जाते। आए एक बार सुबह सुबह मेरे घर, बोले शैलेश, बोले हूं क्या, रोटी, बोले नहीं, अरे मैंने कहा अच्छा, मोटरसाइकिल, बोले हाँ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले बाजार जाओ तो, मैंने कहा तो एक गांव वाला री धोती फंस गई, मैंने कहा कहाँ, बोले क्लच में, मैंने कहा फिर, बोले फाड़ गई, मैंने कहा क्या, बोले धोती, मैंने कहा अच्छा फिर, बोले धोती फाटी, मैं जाने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले कटे, मैंने कहा क्यों, बोले धोती फटी है, पैसे दे, मैं कहा कतरा दी है, बोले 70 रुपए, मैंने 70 रुपए दिया, वो जाने लगा, मैंने पकड़ लिया, कहते बोले क्यों, बोले पैसे दिए धोती दे। अगला 700 दे के गया, मैंने कहा क्यों 700 क्यों, तो बोले खाली धोती पहनी थी। ये हमारा कमाल है, हम कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं, हमारी चीज ही अलग, क्योंकि हम जानते करना क्या, लेकिन हमारे देश में तो आजकल ऐसा होता है, आजकल अब आप देखोगे आपके गांव तक तो पहुंचा नहीं पहुंचा, एक तो मोबाइल फोन इन बच्चों के हाथ में इतनी है। आओ जसवंत जी आओ बैठो, आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो एकदम, काले कपड़ों में आप।
आपकी कुर्सी पे बैठ गया कोई? आराम से बैठ। अरे तू ज्यादा हवा चले उधर मत जाना दिनेश, कोई भरोसा नहीं इसका, कोई भरोसा नहीं है। ये जिस जगह रहता है वहां कमाल का है, वहां पे बहुत कमाल का, लोग अंग्रेजी बोले ऐसी बोले समझ में नहीं आता। हमारे देश में भाषाओं का भी बहुत कमाल है। हाँ कुछ अनाउंसमेंट करना फिर बोलना। तो क्या पूछने गया था? यूं घूमने यूं ही? ये हिंदुस्तानी आदमी कहाँ गया था? कहीं नहीं। क्यों बैठा है कि यूं ही? हिंदुस्तानी आदमी कमाल का था, जाके कुछ भी यूं कहके आ गया। हमारे स्पीकर इज्जत है। हिंदुस्तानी आदमी को बिना बात के राय देने की आदत जरूर, एडवाइस जरूर देता है। मैं जोधपुर में रहता था, वहां बिना बात के एडवाइस देना ये करता है। बढ़िया मिठाई की दुकान खोली, बहुत अच्छा बोर्ड लगाया, यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है, सुबह 9 से 9 यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। चला गया एक आदमी, बोले शाम को पान की दुकान है, वहाँ मिठाई मिलती है क्या? अरे बोले पान की दुकान पे कैसे मिलेगी, मिठाई की दुकान पे मिलेगी ना। तो बोले यहाँ क्यों लिखा है मालूम है ना, यही मिलती है यहाँ मीठा। उसने अगले ने यहाँ मिठा दिया, लिखा था हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। ये क्या बोले, रात को 2 बजे आऊंगा तो देगा? अरे बोले जब लिखा हुआ रात को 9 बजे तो 2 बजे कैसे दूंगा? तो बोले हमेशा क्यों लिखा है, कंफ्यूजन होता है मीठा। अब हमेशा भी मिट गया, अब लिखा हुआ ताजा मिठाई मिलती है। एक क्या 1 किलो बासी लड्डू दे तो? अरे बोले बासी बेचता ही नहीं हूं। तो बोले फिर ताजा लिखता क्या मालूम है ना, तो क्या करने का, तो ताजा भी मीठा। अब लिखा हुआ था मिठाई मिलती है। एक क्या बोले पान पर आ गए क्या? बोले तेरे को काउंटर में क्या दिखता है? तो बोले दिखता है तो लिखता क्यों है, तो क्या करने का? बोले मीठा, अब मिठाई भी मिट गया, अब लिखा हुआ था मिलती है। एक चला गया, क्या मिलती है में बहुत कंफ्यूजन है, क्या मिलती है तो क्या करो? बोले मीठा, अब मिलती भी मिट गया, अब लिखा हुआ था है। एक रात को पहुंचा बिल्कुल टुल्ल, बोले है तो मिट गए नहीं तो कहेगी है, क्या करूं? बोले मीठा, पूरा बोर्ड मिट गया। दूसरे दिन प्रवीण कितने कुछ आदमी पहुंचा, बोले इतनी अच्छी मिठाई की दुकान, इतना अच्छा बोर्ड, इसमें लिखता क्यों नहीं है हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। हमारे हिंदुस्तान में कोई आदमी जो ना करे वो कम है, यही मस्ती का काम है। बोले कि आगे इंतजार उनका तैयार बैठे, कितने में शुरू करना है हमको? अगले 1 मिनट में शुरू करवा रहे उदित जी का, ताकि गाना वाना सुने बढ़िया। अरे हाँ भाई मैं तो आ जाऊंगा, मेरा क्या है यार, मेरी तो धरती है मारवाड़, और अपनी धरती पे आके सुनना। मैं तो आज सिर्फ विवेक को और डिंपल को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, क्योंकि पृथ्वीराज जी हमारे इतने इतने प्रिय मित्र हैं कि इनका कहना मैं टाल नहीं सकता, और इस जगह पे आके खड़ा हुआ हूँ। और यकीन मानिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि देखो पृथ्वीराज जी बहुत मस्त आदमी है। देखो बहुत दिनों से कहते हैं भीनमा लाओ, मैंने कहा आ जाऊंगा, असली बात कर ही नहीं रहे। अब थोड़े दिन पहले फोन किया, बोले शैलेश जी आजकल क्या ले रहे हो? मैंने कह रहा आप इतने खास दोस्त हो, आपसे क्या बार्गेनिंग करूं, पता कर लो आजकल सलमान क्या ले रहा है, उससे 100 रुपए कम दे देना। अब ये तो पृथ्वीराज जी मेरे बड़े भाई, बोले आ जाओ आजकल वो 100 ही ले रहा है। तो ये तो हमारा मामला ऐसे इस तरह से निपटाते थे, इस देश में मामला निपटाने वाला चाहिए साहब। देखिए ना बेचारे राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी का भी निपटा दिया, और बेचारी अच्छी वाली चल रही थी दिल्ली में, सब किसानों ने मिलकर रैली करी, बोले हमारी फसलें नष्ट हो गई है तो हमको मुआवजा दो। तो सोनिया गांधी ने कहा मिलना चाहिए, तो सारे किसानों ने मिलकर 100-100 रुपए इकट्ठे किए और सोनिया जी को दिए। बोले मुझे किस बात का, बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। तो इस देश के अंदर जो ना हो जाए वो कम है, सबसे बड़ी मस्ती का काम है। मैं कह रहा था है तो फिर दे, हमारे यहाँ तो मारवाड़ में है का भी मामला कहते, हमारे यहाँ रात को 2 बजे जोधपुर में दारू की दुकान वाले का फोन आया। देखो टाइमिंग देखो और उसका सवाल देखो, रात को 2 बजे तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले कैसा सवाल है, 9 बजे खुलेगी तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूँ, हाँ तो जब जब ये खुले, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या मस्ती है, हमारे भाषा में मस्ती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं भीनमाल में प्रोग्राम में आया था, वो वीडियो आप लोगों ने ऐसा वायरल कर दिया कि मैं जहां जाता हूँ लोग यही कहते हैं। इसी भीनमाल का वीडियो 1.5 साल पहले मैं आया था, और मैंने मारवाड़ी में कुछ बातें कही, हमारी भाषा का सौंदर्य ऐसा है। अभी दिनेश मुझसे पूछ रहा है, बोले आपकी भाषा का सौंदर्य कैसा है? मैंने कहा हमारा ऐसा सौंदर्य है हमें बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो बगैर बात के बिना शब्द बोले कुछ कर देते। मारू साहब हमें शब्द बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, पृथ्वीराज जी बगैर शब्द बोले। आप इसको पूछो दिनेश तूने खाना खा लिया? भाई साहब अभी तो प्रोग्राम भी खत्म नहीं हुआ, अभी कैसे खाना खाया, खाना मिलेगा? प्रज्ञा प्रज्ञा नाम है इसका,
क्या अंग्रेजी बोलती है तो उसको पूछो तुमने खा लिया? नहीं नहीं सर, आई डिड नॉट हैव फूड, आई विल हैव फूड नाउ. हमसे पूछो खाना खा लिया? बताओ, जब किच में काम चल रहा है तो आदमी पिच पिच क्यों करे मुझे बताओ? मैंने किसी को कहा कि तुमको गुस्सा आ जाए और कमरे से बाहर निकालना हो तो तुम क्या करोगे? बोले मैं कहूंगा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, कमरे से बाहर निकल जाओ. मैंने कहा और गुस्सा आएगा तो? बोले मैं कहूंगा आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट. हमको कहो कमरे से बाहर निकाला. बताओ कुछ बोलने की जरूरत पड़ी? बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. ये प्रज्ञा जैसी खूबसूरत एंकर कोई जा रही हो तो कोई आदमी बढ़िया खूबसूरत गीत लिखेगा, चार लाइनें सुनाएगा, बढ़िया बात करेगा, हिंदुस्तान में हमारे मारवाड़ में आ जाओ, कोई शब्द वेस्ट नहीं करेगा. खूबसूरत लड़की देखिए, बताओ आप, हिंदुस्तानी आदमी सारा हमारा यही तो है. भाषा का उपयोग करने की जरूरत नहीं. हम लोग वो चीज है हमारे तो मारवाड़ की भाषा. मैं आपको अक्सर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं दुनिया में जहां जाता हूं कहता हूं अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ, क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उससे तरक्की करेंगे. हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, देश में जितनी भाषा है जरूर सिखाओ, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दो, क्योंकि मारवाड़ी भूल गए तो संस्कृति खत्म हो जाएगी. और ये ताली बजाने की बात नहीं है, माओ मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो मारवाड़ी बोलने बच्चों को डांटते थे, इंग्लिश इंग्लिश ओनली बेटा, टू बिस्किट्स, वन इज हैंड में, वन इज हैंड में. अरे ऐसा बोलना जरूरी है क्या? आजकल की औरतों माफ करना, बेबी खाना खा लिया बेबी? अरे शर्म कर, तेरा पति है बेबी. गुल्लू 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 गुल्लू, अरे हस्बैंड है क्या? औलाद है तेरी क्या? गोद ले रखा है क्या तुमने? स्वीटू खाना खा लिया बेबी? अरे बेबी फिर वो 90 किलो का पेट निकाला और बेबी बाहर आता है. मैंने कहा इसके आगे एलिफेंट और लगा ले, बेबी बेबी स्वीटू गिलू गिलू गिलू. अरे थोड़ी तो शर्म करो, तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, देखो तो सही क्या बोल रहे. हिंदुस्तानी आदमी फोन पे बात करते करते अचानक उसका स्वर मीठा हो जाए तो समझ लो सामने औरत है जो उसकी नहीं है. मैं सही बता रहा हूं आपको, ये ऑब्जर्वेशन आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा. तुरंत हेलो whom do you want to talk to, तो समझ लो औरत है जो खुद की नहीं है. खुद की औरत हो तो एक ही चीज दो दो बार बोलता है. विवेक तू भी थोड़ा 6 महीने बाद तू भी बोलेगा हेलो हेलो, हाँ हाँ, खा लियो, दुकान में हो दुकान में, फोन रख फोन रख. हम इतने पाखंडी लोग हैं कि हम फोटो देख के तुरंत विचार बदल लेते हैं. इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे दोस्त. राजन भाई कौन बैठा? अनिल बैठा है क्या? खुद कौन है? तेरे उसपे कंसोल पे कौन बैठा हुआ है? अच्छा इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे. हम लोग फोटो देख के एकदम, ओ वीडियो वाले भाई साहब काम मैं कर रहा हूँ यार, शक्लें उनकी ले रहे हो, ऐसा मत करो. अच्छा हंसते हुए थोड़ा सा चलो वो भी देर. अरे भाई ये वीडियो मत करना मोबाइल पे यार, मोबाइल पे जो फिल्में देखी जाती है अच्छी नहीं होती. मेरे को देख ले, अभी टेलीविजन पे तो रोज ही देखता है, आमने सामने देख ले. अचानक एक तो नया फेसबुक आ गया, ऐसा आया आप लोगों में किसके पास है फेसबुक? जरा हाथ खड़े करके बताओ मुझे. ये लो आगे वाले तो शर्म के मारे नहीं कर रहे सबके पास. ये फेसबुक ऐसी घटिया चीज, आदमी शक्ल देख के अपने तुरंत विचार बदल लेता है तुरंत. मान लो प्रज्ञा कल को एक स्टेटस लिख दे फेसबुक पे बढ़िया सा, जैसे मैं अपने घर से बाजार लोकल बस में गई, ऐसे लिख दिया मैं घर से बाजार लोकल बस में गई, फिर नीचे कमेंट देखो हाउ स्वीट, तुम कितनी सिंपल हो, अगली बार जाओ तो हमें भी बताना स्वीटू, हम भी साथ चलेंगे. अब यही कमेंट ये दिनेश लिख दे, इसकी शक्ल देखो अपनी फोटो के साथ, आज मैं बस से बाजार गया, पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है, चौथा पैदल जा भिखारी की औलाद. हम तुरंत चरित्र बदल लेते हैं, लेकिन हम मारवाड़ी लोग चरित्र नहीं बदलते. हमारा कमाल है, हम लोग जो करते हैं वही करते हैं. ये आया हिंदुस्तान में घूमता रहा था, पूरी दुनिया में तूने माँ का दूध सुना होगा, तू मारवाड़ में आ तुझे बाप का दूध बताता हूँ. और मैंने बताया, मैं इसको जोधपुर लेके गया सोस्टी गेट पे, हमारे दुकान है दूध मंदिर. मैंने कहा 2 गिलास दूध पियो बगैर पैसे देके भाग जा,
इसने दो गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भाग जाएगा, पीछे से दूध वाला, थारे बाप रो दूध है, ये होता है बाप का दूध। तो जरा मारवाड़ के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दी, हमारा अद्भुत मारवाड़ है, हमारी तो भाषा कमाल की है। हम तो हाँ, हमारा वहां एक आदमी तोता बेच रहा था, तोते की कीमत 20,000, और लोगों ने इतनी कीमत 20,000, साला 500,000 रुपए की चीज, बोले नहीं कमाल का तोता है, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। लोगों ने चेक किया, पृथ्वीराज जी पीके बहुत चेक की, तोड़े पहली टांग उठाई, हेलो नमस्ते कैसे हैं आप, हिंदी बोला नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई, हेलो हाउ आर यू, अब ये कुछ मत ही आया, ऐसे दोनों टांगे उठा दी। अब तोता मारवाड़ का बोला गैल चपा पटके लगे, ये हमारी भाषा का सौंदर्य है, मैं तेरे चेहरे को तोड़ दूंगा, मजा बोगना मेली तो है, उसका मजा अलग है, बोकाड़ो मुझे बताओ, एक्सीडेंट में वो मजा है क्या जो बचीड़ में हो ही नहीं सकता, ये है नहीं, वो मेरी मर्जी होगी तो बोलूंगा, तू कौन है मुझे बताने वाला, मैं क्या बोलूं, दोस्त बैठ जा बेटा, ओ अच्छा इसका नाम बहरा है, सुनता नहीं, दो मिनट रुक जा, इज रेडी ना, चलिए अब आपके बीच में मैं जाते जाते सिर्फ दो लाइन सुना देता हूँ, क्या सुना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि अजीत जी भी तैयार हैं, पृथ्वीराज जी आपको एक है, सुनाऊंगा मैं कविता अगली बार आऊंगा जब खूब लंबी लंबी कविताएं सुनाऊंगा, तमाम देखिए समय की अपनी सीमा है, इसलिए सिर्फ जाते जाते चार लाइनें सुनाता हूँ, देखिए हम हमारा क्या, देखो एक लाइन में भी कविता होती है, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि मारवाड़ी आदमी गाली भी नहीं देता, हम गाली भी ऐसे ढंग से, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आएगा, लेकिन हमने कमाल किया ऐसा, मुझे समझ में आ गया तो आपको मजा आ जाएगा। मैं बॉम्बे से जा रहा था सूरत ट्रेन में, वापी पे उतरा चाय पीने के लिए, वापस आया तो देखा मेरी सीट पे भाई साहब बैठे, सीट मेरी, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था, लेकिन हमें मारवाड़ के ऐसे संस्कार नहीं है, सीट मेरी, लेकिन मेरी तमीज देखो, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, बोले नमस्कार, मैंने कहा आपका नाम, बोले शांति भाई, मैंने कहा बहुत अच्छा सा, सीट मेरी लेकिन तहजीब देखो, मैंने कहा बहुत अच्छा शांति भाई, पिताजी का नाम, बोले कांति भाई, मैंने कहा शांति भाई ये सीट कांति भाई की नहीं, मैं जानता हूं आपको आज समझ में नहीं आएगा, अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आया था, तो यही कह सकता हूं हमें और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। दो पंक्तियां सुनाता हूं उसके बाद डेफिनेटली मेरे खुद बहुत प्रिय मित्र हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं वो आपके बीच में आएंगे, आप गीत संगीत की महफिल सजाएंगे। हमें और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, मैं जानता हूं जब मैं नीचे आया था लोगों ने कहा बेटियां सुना दीजिएगा, ये सुना दीजिएगा, वो सुना दीजिएगा, वो सब अगली बार के लिए मैं बाकी रखता हूं, जब आऊंगा भीनमाल तो आता रहूंगा जब जब मुझे भीनमाल बुलाएगा, लेकिन हमें और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। मारवाड़ी क्या होते हैं सुनना दिनेश, हमें और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हमारे पास दुनिया में सबसे अलग रहने का तर्क है, हमें और सारी, आप पियो पानी, पियो कोई दिक्कत नहीं, पानी ही है ना, हमें और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है, हमारी स्पेलिंग देखो MARVADI मारवाड़ी, हम चीज क्या है, हम चीज क्या है सुनना के हमें, और एक बार फिर से विवेक टिंपल कोठारी परिवार जसवंत जी आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, आपने इतना खूबसूरत शाम को यहाँ जुटाया है, इतने बड़े कलाकारों को यहाँ बुलाया है, इतना अच्छा आपने मैनेज किया, अनिल जी आपके लिए तालियां, जरा अनिल जी ने बहुत अच्छा मैनेज किया इस फंक्शन को, जरा इनके लिए जरा जोरदार तालियां, ये हमारे बड़े, अरे यार ये जोरदार थी तो इससे अच्छा नहीं बजाते, एक बार ढंग से बजा दो यार, मिलकर ऐसा बड़ा मत कर, अच्छा हमारे साजिंदे हमारे कलाकारों इन लग इन जरा हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं इनके लिए बजाइए, बहुत खूबसूरत बजाते हैं ये लोग, जरा जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, ये बेचारे एंकर्स बार बार बजवाते हैं तालियां बजवाओ, इनकी आदत ऐसी हो जाती है, ये दिनेश दिग्गज की शादी हुई पहली रात को बीवी का घूंघट उठाया और प्रेम की 3-4 कविता सुनाई, वो थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत ताली बजा, ये पहली रात को तालियां बजवा, तो हमें और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, हमें और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है, स्पेलिंग देखो MARVADI मारवाड़ी की स्पेलिंग देखो, हमें और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है, स्पेलिंग देखो MARVADI, एम से MTNL, ए से एयरसेल, आर से रिलायंस, बी से वोडाफोन, डी से डॉल्फिन, आई से आइडिया, सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है, बताओ कितना बड़ा फर्क है, तो जो राजस्थान हमारा है वो तो सदैव सदैव इसी तरह से ऊंचा रहेगा।
मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। डिंपल और विवेक, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।